अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ओनली 10 मिनट्स में आप अपना 14 अगस्त के लिए ड्रेस रेडी कर सकते हैं। सो जी ये देखें, इस तरह से ड्रेस मैंने, ये शर्ट जो है ना, कुर्ता रेडी किया है और बस इसी की डिटेल्स जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप इसको DIY करके किस तरह से इंडिपेंडेंस डे के लिए ड्रेस जो है वो आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये इसके ऊपर ब्यूटीफुल सा बनाया है जी हमने चांद सितारा, जो हमारी बहुत ही प्यारी सी पहचान है। तो ये देखें जी, ये मेरे पास कुर्ता पड़ा हुआ था तो आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कुर्ता है तो आप उसको यूज़ करके किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये देखें, ये है मेरा एक चिकनकारी का कुर्ता और ये मैंने रेडीमेड लिया था। बिल्कुल मैं आपको इसको पास से करके दिखाऊं तो इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा जो है ना वो थ्रेड वर्क हुआ हुआ है, यानी कि चिकन बनी हुई है बहुत ही प्यारी सी, ये देखें। और बिल्कुल इसकी नेक लाइन जो है वो इस तरह की है और ये बिल्कुल एक सिंपल जो है ना वो कुर्ता स्टिच हुआ हुआ है, ये इस तरह से है। दामन पे भी ये देखें, ये छोटी छोटी सी बहुत ही प्यारी सी जो है ना वो क्रोशिया लेस लगी हुई है यहाँ पे भी। और इसके ये देखें जी, इस तरह का इसका नेक बना हुआ है ये। और जी साथ में इसके बाजू के ऊपर भी ये लगी हुई है जी लैस। और बस इसको ही मैं करने वाली हूँ एक DIY करके, इसको मैं 14 अगस्त के लिए अपना ड्रेस रेडी करने लगी हूँ। तो चलें जी देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये देखें, ये है एक मेरे पास ये वाला ग्रीन कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है और ये एक ये वाला ग्रीन कलर का कपड़ा है। और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं, मेरे ख्याल से ये वाला कपड़ा जो है ना वो थोड़ा डार्क ग्रीन है और ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, तो बस इसी को मैं यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपके पास भी इस तरह का वाइट कुर्ता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर का कुर्ता है तो आप उसको भी इस तरह से DIY करके अपना एक ड्रेस जो है ना 14 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे के लिए रेडी कर सकते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। कपड़ा यहाँ पे बस हमें ये चाहिए था और साथ में क्या चाहिए वो भी दिखाती हूँ जी। तो ग्रीन कपड़ा लिया है और इसी के साथ हमें लिए है जी ये वाली पेपर बुकरम, ठीक है। ये जो स्टिच करना कपड़े जानते हैं उनको भी पता है, नहीं तो आपको नलकी बुकरम वाली शॉप से या आपको आसानी से मिल जाती है। ये गले जिस पे बनते हैं ना, ये वही है डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जी पेपर के ऊपर मैंने स्टार जो है वो ड्रॉ करके इसको अभी रखा है, जस्ट इसके ऊपर मैं अभी कट करूँगी, लेकिन इसके साथ यहाँ पे से मून जी हमने कट कर लिया, ठीक है। और बस इसको जो है ना वो हम मैं करूँगी ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर रख के उसको पेस्ट करूँगी, ठीक है। बस इस तरह से आप देख लें कि आपको कितना साइज़ चाहिए तो आप उस तरह से इसकी कटिंग कर लें। और यहाँ पे से ये देखें जी, ये मून मैंने कट कर लिया है और रह गया जी स्टार, तो स्टार को भी मैं इसी तरह से कट कर लूँगी और फिर बस ग्रीन कलर के कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी जी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा वही लिया है जो मैंने आपको दिखाया था और इसके ऊपर मैंने इसको रख के और इसको बस मैं जस्ट गर्म इस्त्री उसके ऊपर इस तरह से इसको करके, ठीक है, ये देखें जी साथ ही पेस्ट भी हो गया, ठीक है। ये हो गया है पेस्ट और अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ जी फ्रेंड्स। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है, पहले मैंने इसको पेस्ट किया है और साथ में इसकी मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने हाफ हाफ इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख के इसको मैंने कटिंग कर दी है, ठीक है। और अभी हम इसको फोल्ड करेंगे और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया है और यहाँ पे मैंने डीप कट लगा दिए ताकि ये यहाँ पे से हमें इस फैब्रिक को फोल्ड करने में आसानी हो, ठीक है ये। और इसके लिए हमें चाहिए जी ग्लू गन, इसको हम, आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं अगर आप स्टिच करना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वही कि हम क्विक और DIY काम करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे जी, हम इसको यहाँ पे से इस तरह से ये देखें ये लगाते जाएंगे, बहुत कम सी जो है ना वो लगाएंगे और ये यहाँ पे ना ये देखें जी, ठीक है। सॉरी जी, एक हाथ से, अच्छा मुस्कान मुझे हेल्प करेंगी, ओके जी। तो ये देखें जी, ये हमने इसको कर लिया है यहाँ पे पेस्ट और बिल्कुल ये इस तरह से एक नीट सी चीज़ बन जाएगी, तो हम आपको करके दिखाते हैं जी फ्रेंड्स। तो ये देखें जी, ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस सारे को इस तरह से कर लिया है, ये देखें आप।
यहाँ पे से मैंने कट लगाए थे, और कट लगाने के बाद मैंने क्या किया है कि इसको पूरे को ग्लू गन लगा के और इसको इस तरह से फोल्ड करके, और ये हमारे पास इस तरह से आ गया है जी रेडी। और अब इसको मैं कुर्ते के ऊपर रख के देखूँगी। यहाँ पे मुझे मक्खी जो है ना वो एक तंग कर रही है। एक्चुअली हेयर स्प्रे जो है ना यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो हेयर स्प्रे की वजह से जो है ना वो मक्खी मुझे बार बार तंग कर रही है। खैर जी, ये देखें यहाँ पर मैं आपको, ये मेरे पास रेडी हो गया है। और अभी मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं शर्ट के ऊपर रख के देखती हूँ कि जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे फिर मैं इसको ग्लू गन की हेल्प से ही लगाऊंगी। तो आई होप आपको ये छोटा सा DIY आइडिया जो है वो अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरह से अपने ड्रेसेस को, अपने कुर्ता को जो है ना वो यूज़ करके अपना इंडिपेंडेंस डे का ड्रेस रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ चाहें तो आप वाइट दुपट्टा पहने, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे दुपट्टे हैं वाइट कलर के, डिफरेंट मतलब नेट के भी हैं, और इसके साथ मेरे पास हैं जी शिफॉन के भी। तो उनमें से मैं देखूंगी इसके साथ मुझे जो भी अच्छा लगेगा। साथ में इसके ग्रीन कलर के इयररिंग्स भी हैं, और ट्राउज़र में मैं देखूंगी कि अगर पहन के कि मुझे इसके साथ शलवार अच्छी लग रही है या फिर इसके साथ ट्राउज़र अच्छा लगेगा, तो वही मैं इसके साथ पहनूंगी। और मिलूँगी आपको 14 अगस्त पर। तो जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।